एट देखिए, कह रहा कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो इस चक्रीय चतुर्भुज के कोणों को ज्ञात कीजिए। देखिए ए और बी और सी और डी के मान दिए गए हैं और कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज आपको पता है ना कि वैसा चतुर्भुज जो वृत्त वृत्त के चारों, मतलब कि उसके जो चारों शीर्ष होंगे ना वो वृत्त से होकर जाते हैं, ठीक वही होता है चक्रीय चतुर्भुज। तो आप क्लास नाइन्थ में पढ़े हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख सम्मुख कोणों का योग, यानी अपोजिट एंगल का योग, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है 180 डिग्री होता है। यानी कि आपको यहां से पता चल गया कि एंगल सी प्लस में एंगल ए बराबर होगा 180 डिग्री, है ना, या यू कहें तो एंगल डी और प्लस में एंगल बी बराबर होता है 180 डिग्री। कहना मतलब इसका इसका योग 180 और इसका इसका योग 180 होगा। तो चलिए हम लोग दोनों से दो समीकरण निकालेंगे और एक्स वाई निकाल के मान रख देंगे। चलिए तो हम लोग पहला केस लेते हैं, एंगल सी प्लस एंगल ए बराबर 180 डिग्री। ये आपके पास दिया है ना, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है तो सम्मुख कोणों का योग 180 होगा ना, सम्मुख कोण यानी कि ये और ये, ठीक है। तो सी का वैल्यू है माइनस का 4x, अच्छा ए का वैल्यू है 4y प्लस 20 बराबर में 180। तो एक काम करते हैं, माइनस का 4x प्लस का 4y, इसको उधर ले घटा देते तो 160 हो जाएगा ना। अच्छा यहाँ 4 कॉमन है क्या, है ना, माइनस 4 कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस वाई बचेगा बराबर में 160। इसको ले जाएंगे भाग में तो x माइनस वाई बराबर 160 और बटा में माइनस का 4, यानी कि यहां से आ गया एक समीकरण आपका x माइनस वाई बराबर में माइनस का 40, है ना, ये समीकरण एक हो गया, समझ गए। चलिए उसी तरह से, चूंकि आपके पास दिया हुआ है, चूंकि एंगल d और प्लस एंगल b बराबर है 180, ये भी है ना, ये आपके पास दिया हुआ है, तो d का वैल्यू कितना है, माइनस का 7x प्लस का 5, अच्छा और b का वैल्यू कितना है आपका है 3y माइनस 5 बराबर में 180। चलिए तो 5 कट जाएगा ना, यानी कि माइनस का 7x और प्लस का 3y बराबर में 180, ये आपका समीकरण दो होगा, इसमें कॉमन भी नहीं होगा, कटेगा भी नहीं। चलिए इस समीकरण एक में गुना कर देते हैं 3 से, इसमें गुना कर देते हैं 1 से, देखेंगे समीकरण एक में 3 से तथा समीकरण दो में 1 से गुणा करने पर तो चलिए गुणा करिएगा तो हो जाएगा 3x माइनस का 3y बराबर में 4 × 3 = 12 माइनस 120, यहाँ यही रहेगा माइनस 7x प्लस 3y बराबर में 180, ठीक है इतना। चलिए तो यहाँ y y वाला कट जाएगा ना, यहाँ देखिए तो ये कट गया, यहाँ कितना जाएगा माइनस का 4x बराबर में, ये भी घटेगा तो माइनस का प्लस का 60 होगा ना, यानी कि x बराबर आ जाएगा यहाँ से 60 और बटा में माइनस 4, कितना बार में कटेगा 15 बार में, यानी कि यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 15 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक है आपका x माइनस वाई बराबर में माइनस का 40, समझ गए ना, तो x का मान माइनस 15 रखना है ना, तो यहाँ चलिए x का मान रखते हैं माइनस का 15 माइनस वाई बराबर माइनस 40, तो माइनस का 15 उधर जाके प्लस का हो जाएगा ना, तो माइनस 40 प्लस 15 यानी कि कितना आ जाएगा माइनस वाई बराबर माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ से 25 ना, चलिए माइनस माइनस कट गया यानी कि वाई बराबर 25 डिग्री, वाई बराबर 25 डिग्री आ गया। तो अब तो आपके पास एक्स और वाई का वैल्यू आ गया ना, तो हम एक एक करके निकाल लेते हैं। देखिए क्योंकि आपके पास एक्स का वैल्यू आया है माइनस का 15, है ना, और y का आया है आपके पास 25, तो चारों कोण नहीं निकल जाएंगे, तो एंगल a बराबर कितना है 4y प्लस 20, यही ना है, तो 4y के जगह रखेंगे 25 और प्लस 20 डिग्री, तो 25 चौका 100, है ना, और 120 डिग्री आ जाएगा, 100 में 20 जोड़ देंगे तो एंगल b बराबर है 3y माइनस में 5, यानी कि 3y के जगह कितना है आपका 25 और माइनस में 5, तो 25 दिया 75 में से 5 गया 70। चलिए
एंगल सी बराबर है माइनस का 4x यानी कि माइनस का 4 इंटू में x का वैल्यू कितना है माइनस का 15, तो 15 चौका 60 प्लस में 60 डिग्री। अच्छा एंगल डी बराबर है आपका माइनस का 7x प्लस 5, तो यहाँ भी रखना होगा ना, चलिए तो यहाँ पे रखिएगा वैल्यू, तो माइनस का 7 और x की जगह माइनस का 15 और प्लस में 5, तो यहाँ से 15 सत्तर 105 और ये 5 कितना हो जाएगा 110 डिग्री। तो ये चारों कोण निकल गया ना ए बी सी डी, यहाँ देख रहे हैं ना, ए निकल गया आपका, बी निकल गया, सी निकल गया और ये डी निकल गया, चारों कोण आ गया। तो इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड लिंक की जरूरत हो अदर सब्जेक्ट लिंक अदर चैप्टर की लिंक, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301 77 88 99 पे व्हाट्सएप करके चैप्टर्स के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं, और प्लीज इस नंबर पे कॉल नहीं करेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।